तो आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मांग डिमांड। सबसे पहले डिमांड पूर्ति क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। उपभोक्ता आए दिन कई वस्तुओं का प्रयोग करता है जिसके लिए वो मांग करता है। यहाँ पे अर्थशास्त्र में मांग के लिए एक निश्चित समय है। पहली चीज है आपका समय कैसा होना चाहिए, निश्चित। निश्चित समय में निश्चित कीमत पर निश्चित स्थान पर वस्तु की मांगी गई मात्रा मांग कहलाती है। तो यहाँ पे हमें तीन बातों पे फोकस करना है। समय निश्चित होना चाहिए, कीमत निश्चित होनी चाहिए, स्थान निश्चित होना चाहिए और उस स्थिति में जो भी मांगी गई मात्रा है वो अपने लिए मांग कहलाती है। मांग में पांच तत्व होते हैं। अगर हम चर्चा करें मांग के तत्व की तो मांग के लिए पांच बातों का होना आवश्यक है। पहले आता है इसमें प्रभावपूर्ण इच्छा। दूसरा जो तत्व है वो है उपलब्ध साधन, साधन आपके उपलब्ध होने चाहिए। और तीसरा जो तत्व आता है वो आता है आपका साधनों को त्यागने की तत्परता, साधनों को त्यागने की तत्परता। चौथा शब्द आता है कीमत और पांचवा शब्द आता है आपका समय। देखिए जब तक प्रभाव को इच्छा नहीं होगी तो व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी और आवश्यकता नहीं होगी तो उसकी मांग नहीं करेगा। तो पहला तत्व तो यही है कि इच्छा होनी चाहिए। दूसरा तत्व ये है कि इच्छा की पूर्ति के लिए हमारे पास में मुद्रा या अर्थशास्त्र की भाषा में कहें तो साधन होने चाहिए जिससे हमारी वो इच्छा पूरी हो सके। तीसरा व्यक्ति का या उपभोक्ता का दृष्टिकोण होना चाहिए कि उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए वो साधनों को त्यागने के लिए तत्पर रहे। और चौथा शब्द है कि कीमत वस्तु की निश्चित होनी चाहिए और समय भी क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। तो ये पांच तत्व अगर पाए जाते हैं तो हम उसे वस्तु की मांग कह सकते हैं। तो ये जो दो टॉपिक थे ये मांग के अर्थ और मांग के तत्व से संबंधित थे। अगला जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मांग के प्रकार के बारे में बात करें तो मांग को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला प्रकार लेते हैं कीमत मांग। वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा के मध्य संबंध व्यक्त करती है। दूसरी जो मांग है वो है हमारी आय मांग है जो व्यक्ति की आय और वस्तु की मांगी गई मात्रा के मध्य संबंध व्यक्त करती है। आय मांग को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक तो निकृष्ट वस्तुओं के परिप्रेक्ष्य में, और दूसरा है अच्छी वस्तुओं के परिप्रेक्ष्य में। निकृष्ट वस्तुओं से हमारा अभिप्राय ऐसी वस्तुओं से है जिनकी गुणवत्ता कम होती है और अच्छी वस्तुओं से हमारा अभिप्राय ऐसी वस्तुओं से है जिसकी गुणवत्ता ज्यादा होती है। तीसरा जो प्रकार है तिरछी या आड़ी मांग। और इसको भी हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक तो स्थानापन्न वस्तुओं के परिप्रेक्ष्य में और दूसरा है आपका पूरक वस्तुओं के परिप्रेक्ष्य में। तिरछी आड़ी मांग से हमारा अभिप्राय एक वस्तु की कीमत का दूसरी वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है वह मांग अपने लिए तिरछी आपकी आड़ी मांग कहलाती है। इसको दो भागों में स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनको हम एक वस्तु के स्थान पर काम में ले सकते हैं। जैसे कॉफी के
के स्थान पर चाय ले सकते हैं या आप पेन के स्थान पर पेंसिल ले सकते हैं। पूरक वस्तुओं से हमारा अभिप्राय उन वस्तुओं से होता है जो एक साथ काम आती है, जैसे मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल अनिवार्य है, पेट्रोल के बगैर मोटरसाइकिल नहीं चलेगी, या फिर और भी है जूते जुराब है, ये सारे पूरक वस्तुओं के से संबंधित है। अब बात करते हैं कि इनमें कैसे संबंध पाया जाता है। कीमत मांग में विपरीत संबंध होता है, निकृष्ट वस्तुओं की मांग में विपरीत संबंध होता है, अच्छी वस्तुओं की मांग में आपका सीधा संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है, स्थानापन्न वस्तुओं में प्रत्यक्ष संबंध होता है और पूरक वस्तुओं में विपरीत संबंध होता है। ये हम चर्चा करेंगे पहले मांग के नियम को समझने के बाद में, ठीक है। मांग का नियम क्या होता है, सबसे पहले मांग के नियम की चर्चा करें तो मांग के नियम और मांग के नियम के साथ में हम पढ़ लेंगे मांग वक्र। मांग के नियम देखिए, अन्य बातें समान रहने पर, यहाँ पे अन्य बातें जो इसके अपवाद है वो समान रहेगी। अन्य बातें जैसे उपभोक्ता की रुचि है, फैशन है, उपभोक्ता की आय है, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत है, पूरक वस्तुओं की कीमत है, धार्मिक रीति रिवाज है, अनिवार्य वस्तुएं हैं, ये सारी अन्य बातों में शामिल होती है। तो अन्य बातें समान रहने पर जब कीमत बढ़ वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग घटती है, मांग घटती है, और जब वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। अर्थात मांग का नियम भी विपरीत संबंध को दर्शाता है कि बाजार में आप देखते हो किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो इससे उपभोक्ता की क्रय शक्ति कम हो जाती है, यानी खरीदने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है, जिसके कारण वो अपनी मात्रा को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसका प्रभाव ये पड़ता है कि उस वस्तु की मांग घटती है। इसके विपरीत आप देखते हो जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उन्हीं पैसों में उपभोक्ता को ज्यादा वस्तु मिल सकती है, उसकी क्रय शक्ति बढ़ती है और जिसके कारण वो मांग क्या करता है, ज्यादा करता है। इस नियम को या इस दृष्टिकोण को अगर हम वक्र के रूप में या रेखा के रूप में व्यक्त कर दें तो वो क्या कहलाता है, मांग वक्र कहलाता है। मांग वक्र जैसे ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। एक्स अक्ष में हम वस्तु की मात्रा को दर्शाते हैं और वाई अक्ष में हम वस्तु की कीमत को दर्शाते हैं। अब मांग वक्र है जो विपरीत संबंध दर्शाता है, अर्थात यहां पर आप देख रहे हो वस्तु की कीमत ज्यादा है तो मांग जीरो है, यहां पर आप देखोगे वस्तु की कीमत कम है या तो मांग आपकी बढ़ रही है, यहां पे कम होने पर और बढ़ रही है और यहां पे कम होने पर और बढ़ रही है। इसको अगर उल्टा पड़े तो यहां पर मांग कीमत कम है तो मांग ज्यादा है, कीमत बढ़ गई तो मांग कम हो गई, फिर कीमत बढ़ गई, फिर मांग कम हो गई, कीमत बढ़ गई, फिर मांग कम हो गई। तो ये चीज आपकी कहलाती है मांग वक्र कहलाता है, और मांग वक्र है जो आपका मांग के नियम को स्पष्ट करता है। इसके बाद में अपना जो लास्ट टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं मांग में विस्तार एवं संकुचन। मांग विस्तार एवं संकुचन, देखिए विस्तार और संकुचन कब होता है, जब अन्य बातें समान रहे, अन्य बातें समान रहे, अन्य बातें समान रहे, समान रहे और कीमत परिवर्तित हो, कीमत क्या हो, परिवर्तित हो, तो एक ही वक्र आगे चला, तो एक ही वक्र ये लाइन में क्या था, इसको क्या बोलते हैं, कीमत परिवर्तित हो, वर्ग कीमत से बोलो,
मांग में विस्तार है संकुचन, अन्य बातें समान रहे तथा कीमत परिवर्तित हो, तो मांग में विस्तार है संकुचन होता है जिसे एक ही वक्र के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। यहां वस्तु की मात्रा है और यहां पर कीमत है, ये मांग वक्र है, ठीक है। अब अगर मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो ये विस्तार को दर्शा रहा है, और मांग वक्र नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो ये संकुचन को दर्शा रहा है, अर्थात संकुचन का मतलब है सिकुड़ना, मांग घटती जा रही है, ऊपर ऊपर की तरफ चले तो, और नीचे की तरफ आए तो विस्तार का मतलब है वृद्धि, मांग क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। दूसरा चीज हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं मांग में वृद्धि एवं कमी, मांग में वृद्धि और कमी को एक वक्र के माध्यम से नहीं दर्शाते, अलग अलग वक्र के माध्यम से दर्शाते हैं, क्योंकि मांग जो वक्र है वो अपना मूल स्थान छोड़कर ऊपर की तरफ दाएं या नीचे की ओर बाएं तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो कि मांग में वृद्धि और कमी को दर्शाता है। मांग में वृद्धि और कमी कैसे होती है, अन्य बातें तो क्या रहे, परिवर्तित रहे, अन्य बातों का मतलब वही तारीख, रीति रिवाज, उपभोक्ता की आय, फैशन, आपकी जो भी रीति रिवाज है, स्थानों पर वस्तुओं की या पूरक वस्तुओं की कीमतें हैं, तथा आपकी कीमत क्या है वस्तुओं की, वो है स्थिर रहे। अब वृद्धि और कमी में क्या होगा, मान लीजिए आपका मांग वक्र ये है, यह है आपकी कोई वस्तु की मात्रा, वो एक शख्स है, ये आपका वाई है, जिसमें हम कीमत अन्य बातें दर्शा रहे हैं, अन्य बातें। अब जैसे ही वृद्धि होगी मांग वक्र अपनी जगह छोड़ के ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अर्थात ये किसको दर्शा रहा है, वृद्धि को, और कमी होगी तो मांग वक्र आपका बाईं ओर नीचे की तरफ हो जाएगा, ये दर्शा रहा है कमी। तो ये जो मोस्ट मांग से संबंधित टॉपिक है जिनके बारे में हमने चर्चा की है, और आगे बाद में देखते हैं। धन्यवाद।